खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिन 22 अगस्त 2021, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में। खास बात यह है कि इस बार जेल में बंद भाइयों की कलाई पर भी राखियां सजी हैं। हाल ही में जेल के बंदियों से मुलाकात के लिए छूट दी गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन की तैयारी शुरू कर दी थी। आपको बता दें, गत वर्ष कोरोना के कारण जेल में राखी का पर्व नहीं मनाया गया था, जिसके बाद इस बार भी जेल में राखी का त्यौहार मनाए जाने को लेकर संशय था। लेकिन 16 अगस्त को शासन ने जेल में मुलाकातों को शुरू कर दिया है, जिस कारण रविवार को जेल में बंद बंदियों को भी त्यौहार मनाने का मौका मिला। जिला कारागार में भी बहनें मुलाकात के लिए जेल पहुंची। मुलाकात स्थल जेल परिसर में सलाखों के पीछे भाई और बहनों की मुलाकात हुई। इस दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो भाई और बहनों की आंखें छलक आईं। बहनों ने भाइयों से अपराध की दुनिया को छोड़ने का वचन लिया। भाई और बहन के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती। त्यौहार भाई बहन के अटूट रिश्ते प्यार, त्याग और समर्पण को दर्शाता है। राखी बांधकर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं। वहीं भाई उन्हें वादा देते हैं कि वे जिंदगी भर रक्षा करेंगे। इस वजह से इस पर्व को रक्षाबंधन का नाम दिया गया है। मेरठ मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार पर मेरठ जेल पर अपने बहनें अपने भाइयों के लिए राखी बांधने के लिए आई हैं। जैसा कि आपको भी विदित है कि कोरोना काल चल रहा है, इसमें कुछ नियमों का पालन करते हुए बहनें अपने भाइयों को राखी और जो मिष्ठान है वो देने के लिए कारागार प्रशासन ने पूर्णतया पूरी सुरक्षित और कोरोना को देखते हुए कोरोना के बचाव को देखते हुए बचाव से उपायों को पूरे मद्देनजर रखते हुए पूरी व्यवस्था की है। 5 काउंटर बनाए गए हैं पर्चियों के लिए। पर्चियां जल्दी लग जाएं इसलिए हाथ से पर्चियां लिखी जा रही हैं और क्यू बनाई गई है, वहां से पर्ची 6 बजे से पर्चियां लग रही हैं और सभी लोग कारागार प्रशासन का पहले भी सहयोग कर रही हैं। और कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।